जब भी सुपर हीरो मूवीज की बात आती है तो हमारे ध्यान से स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थोर या आयरन मैन इनके ओर जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि अभी सुपर हीरो मूवीज के मामले में इंडिया काफी पीछे है, लेकिन इंडिया ने भी कुछ मूवी सुपर हीरोज पर बनाई है जिनसे अभी काफी अच्छी सुपर हीरो मूवीज मिली है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में इन मूवीज को मैंने सुपर हीरोज की पावर के हिसाब से नहीं बल्कि मेरे पर्सनल रिव्यू और IMDb रेटिंग के हिसाब से रैंक किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी मूवी सीरीज रिकमेंडेशन और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप हमें इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो बॉलीवुड की टॉप 7 सुपर हीरो मूवीज। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है 1988 में रिलीज हुई 6.3 IMDb रेटिंग के साथ शहंशाह। जी हाँ, शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे बट ये बॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज की कैटेगरी में आती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे हीरो पर बेस्ड है जो कि शहर में लोगों की भलाई और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए रात में बुरे लोगों का खात्मा करता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये एक रिवेंज ड्रामा मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन हमें डबल रोल में दिखाई देते हैं, जिसमें वो अपने पिता की मौत का बदला और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब करते हैं। मूवी के जबरदस्त डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर है। मूवी 1988 में रिलीज हुई थी बट आज भी लोग इस मूवी को उतना ही पसंद करते हैं। मूवी 2 hours 57 minutes लॉन्ग है जिसे आप जियो सिनेमा या Zee5 पर देख सकते हैं। अगली मूवी ने इंडियन ऑडियंस को नेक्स्ट लेवल VFX से इंट्रोड्यूस करवाया था। 2011 में बनी इस मूवी ने सभी को अपने जबरदस्त VFX से हैरान कर दिया था। नंबर 6 पर है 2011 में रिलीज हुई 4.7 IMDb रेटिंग के साथ रावण। रावण और जीवन ये दोनों ही वीडियो गेम से रियल वर्ल्ड में आए हैं। मूवी में रावण का कैरेक्टर अर्जुन रामपाल और जीवन का कैरेक्टर SRK ने प्ले किया है। अपने बेटे की फरमाइश पर शेखर यानी SRK एक ऐसा वीडियो गेम बनाते हैं जिसमें विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है और यही गेम शेखर के बेटे प्रतीक को बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर किसी तरह प्रतीक को मारने के लिए रावण गेम से बाहर आ जाता है और अब उसे बचाने के लिए जीवन भी गेम से बाहर आ जाता है और इसी तरह हमें हीरो और विलन की लड़ाई देखने को मिलती है। अब ये दोनों गेम के कैरेक्टर है तो इनके पास सुपर पावर तो होनी ही थी। मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका यूनिक आइडिया और इसके VFX। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मूवी 1 time watch है। इस 2 hours 28 minutes लॉन्ग मूवी को आप Zee5 या Zee सिनेमा पर देख सकते हैं। नंबर 5 की मूवी भी काफी पुरानी मूवी है। मैं बात कर रहा हूँ 1987 में रिलीज हुई 7.8 IMDb रेटिंग के साथ मिस्टर इंडिया। अब अपने सुपर हीरो के पास इनविजिबल होने की सुपर पावर है और इसे सिर्फ रेड लाइट के थ्रू ही देखा जा सकता है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल नहीं हो सकता इसलिए इसके लिए विलन्स को हराना इतना आसान नहीं होता। ये भी एक काफी पॉपुलर मूवी है और इसे इंडियन ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। साथ ही इस मूवी से हमें इंडियन सिनेमा का एक आइकॉनिक विलन मोगैम्बो मिला है। जिनका टोटल बजट अप्रोक्स 630 करोड़ है। सोर्सेज के हिसाब से 2010 में रिलीज हुई रोबोट का बजट 132 करोड़ और 2018 में रिलीज हुई इस फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी 2.0 का बजट करीब 500 करोड़ था। मतलब कि बाहुबली की दोनों मूवीज का बजट मिला के देखा जाए तो सिर्फ 2.0 के बराबर होता है। इस मूवी के सुपर हीरो का नाम है चिट्टी जो कि एक रोबोट है। चिट्टी एक रोबोट है बट वो ह्यूमंस की तरह प्यार और गुस्से को फील कर सकता है और यही बात उसे दूसरे रोबोट से अलग बनाती है। इस मूवी के VFX भी इंडियन ऑडियंस के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन थे। चिट्टी को इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में चलकर वो विलन बन जाता है जिसकी वजह से उसे ऑफ करना पड़ता है। पर 2018 में रिलीज हुई उसके सेकंड पार्ट 2.0 में उसे वापस लाया जाता है। Reloaded, version 2.0. अब आपको ये लगा होगा कि इतने बड़े बजट के बावजूद ये नंबर 4 पर क्यों है। तो बात ऐसी है कि इसका फर्स्ट पार्ट यानी रोबोट तो बहुत अच्छा है लेकिन इसे सेकंड पार्ट 2.0 को सिर्फ और सिर्फ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। 2.0 की स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं है लेकिन इसे थिएटर में 3D में देखने का मजा कुछ और ही था। अगर इसे सेकंड पार्ट की स्टोरी फर्स्ट की तरह दमदार होती तो ये इस लिस्ट में नंबर 2 पर भी हो सकती थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों मूवीज मस्ट वॉच है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको Zee5 और सेकंड पार्ट Amazon Prime पर देखने को मिल जाएगा। हर माइंड ब्लोइंग कहानी के पीछे ना कुछ बहुत ही बुरे डिसीजंस होते हैं। वो जो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? मैं समझा सकता हूँ। एक तरफ तो इंडियन ऑडियंस कहती है कि हमें रिमेक्स नहीं बल्कि कुछ हटके कंटेंट देखना है और कहते हैं कि बॉलीवुड अच्छी सुपर हीरो मूवीज क्यों नहीं बनाता, और वहीं दूसरी तरफ जब अच्छी सुपर हीरो मूवीज आती हैं तो वही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाती हैं। अगली एक ऐसी मूवी है 7.4 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 3 पर है 2018 में रिलीज हुई मर्द को दर्द नहीं होता। कैसा होगा कि अगर आपको कभी दर्द भी महसूस ना हो, चाहे कोई आपके हाथ पैर ही क्यों ना तोड़ दे पर आपको पता भी ना चले कि आखिर ये दर्द क्या होता है। ऐसे ही पावर अपने सुपर हीरो के पास है। मूवी के पॉजिटिव है इसके एक्शन सीक्वेंसेस, सिनेमेटोग्राफी, परफॉर्मेंस और इसकी सबसे बड़ी बात है इसका कॉन्सेप्ट। बस मूवी में काफी ज्यादा सीन स्लो मोशन में दिखाए गए हैं जिसके कारण आपको लगेगा कि यार जल्दी करो ना, पर मुझे वो देखने में भी मजा आया। 2 hours 16 minutes लॉन्ग इस एक्शन कॉमेडी मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
नंबर टू पर है एक और हाईली अंडररेटेड मूवी भावेश जोशी सुपर हीरो। 7.6 IMDb रेटिंग के साथ इस मूवी के डायरेक्टर का नाम ही काफी है आपको इसे देखने को मजबूर करने के लिए। और डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोतवाने जिन्होंने एक के वर्सेस एक के उड़ान ट्रैप जैसी जबरदस्त मूवीज हमें दी है। बट क्या करें मूवी की तरह डायरेक्टर भी अंडररेटेड है। अपने सुपर हीरो के पास कोई स्पेशल सुपर हीरो जैसी पावर तो नहीं है बट इसके कैरेक्टर में पोटेंशियल और डेप्थ है। इस मूवी में ऐसा कोई सुपर विलन नहीं है जो कि पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है बल्कि इसकी स्टोरी को एकदम रियल और ग्राउंडेड रखा है। इसमें एक पॉलिटिशियन को ऐसे विलन दिखाया गया है जो कि पानी की चोरी से पूरे शहर को चूना लगा रहा है और बस इसी करप्शन को रोकने के लिए हमारा सुपर हीरो इस लड़ाई में कूद जाता है। मूवी का कंसेप्ट परफॉर्मेंस डायरेक्शन और एक्शन सीक्वेंसेस काफी जबरदस्त हैं। अगर मर्द को दर्द नहीं होता और भावेश जोशी जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट होती तो क्या पता हमें इनका सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाता। बट अब क्या करें ऑडियंस को तो ऐसी मूवीज देखना पसंद है। इस सोशल एक्शन ड्रामा मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मूवी 2 hours 30 minutes लॉन्ग है। अब नंबर वन सुपर हीरो की तो क्या ही बात करें। वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि नंबर वन पर तो यही सुपर हीरो होगा। अब लोग जो मर्जी कहें बट क्रिश इंडिया का अब तक का बेस्ट सुपर हीरो है और मुझे नहीं लगता कि इसकी बराबरी आने वाले टाइम में कोई कर भी पाएगा। मतलब एक परफेक्ट सुपर हीरो कैसा होना चाहिए, उसके पास एक अच्छा कॉस्ट्यूम होना चाहिए, अच्छी बॉडी, आइकॉनिक मास्क, जबरदस्त सुपर पावर्स वगैरह वगैरह। और ये सभी क्वालिटीज हमें अपने सुपर हीरो में देखने को मिली है। ये 3 मूवीज की फ्रेंचाइज है जिसके 4th पार्ट पर भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। इंडिया के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो क्रिश की सभी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है और इसके 4th पार्ट के लिए भी लोगों की एक्साइटमेंट डेली बढ़ती जा रही है। और अब वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो झूठ मत बोलना, आपने भी बचपन में कभी न कभी क्रिश को कॉपी किया होगा। देखो झूठ मत बोलना किया है या नहीं मुझे कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे ऐसी मूवी सीरीज रिकमेंडेशन और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।